हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, आईपीएल 2020 के नए शेड्यूल, नए फॉर्मेट और इसकी स्टार्टिंग डेट को लेकर फाइनली बीसीसीआई की ओर से एक और ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, जिसको जानने के बाद आप लोगों को यहां पर आइडिया लग जाएगा कि बीसीसीआई के क्या प्लान्स चल रहे हैं आईपीएल 2020 को लेके। तो उन सबको जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ जुड़े रहना होगा बिल्कुल लास्ट तक। और उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर सकते हैं, जिससे मेरी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब बीसीसीआई ने फिलहाल जितनी भी मीटिंग्स होती हैं आईपीएल 2020 के फ्यूचर को लेकर उसके रिगार्डिंग 15 अप्रैल तक कुछ भी करने से मना कर दिया था। उन्होंने साफ साफ बोला था कि आईपीएल 2020 जो कि पहले 29 मार्च से शुरू होना था वो 15 अप्रैल तक के लिए पोस्टपोन किया जाता है। उसके बाद हमें काफी सारे रूमर सुनने को मिले थे कि बीसीसीआई यहां पर और भी मीटिंग कर सकती है या फिर ऐसा कोई फाइनल डिसीजन बीसीसीआई ले सकती है। उसके बाद मैंने आपको चैनल के ऊपर बताया था कि बीसीसीआई ने किस तरह से कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के जरिए एक बार मीटिंग की थी, लेकिन उस मीटिंग में कुछ भी यहां पर फाइनल डिसीजन निकल के नहीं आ पाया था। और अब गाइस, फाइनली बीसीसीआई की साइड से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है कि उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग के बाद बीसीसीआई का क्या स्टैंड है आईपीएल 2020 को लेके। बीसीसीआई की साइड से जो अपडेट आई है उसमें सीधे सीधे बोला गया है कि अभी बीसीसीआई कोई भी मीटिंग कराना नहीं चाहती है 14 तारीख तक, क्योंकि 14 तारीख तक भारत में वैसे ही बंद चल रहा है और गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो यहां पर काफी स्ट्रिक्टली फॉलो कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है इस मीटिंग को करवाने का, क्योंकि अगर वो करवा भी लेंगे तो भी उनको काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी, काफी ज्यादा अनिश्चितताएं रहेंगी कि यहां पर हमारे देश का फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि 14 तारीख के बाद ही हमें पता चलेगा कि जो अभी भारत बंद चल रहा है वो हटेगा या फिर नहीं हटेगा। अगर वो हटता है तो ही बीसीसीआई उसके बाद कोई मीटिंग करेगी और तो ही कोई डिसीजन ले पाएगी, क्योंकि अगर उससे पहले ही उन्होंने मीटिंग कर ली और बाद में 14 तारीख के बाद जो अभी सिचुएशन चल रही है वो और ज्यादा एक्सटेंड हो गई तो काफी ज्यादा दिक्कत बीसीसीआई के लिए सामने आ जाएगी। गाइज, यहां पर बीसीसीआई के ऑफिशियल ने एक और चीज इसमें ऐड करते हुए बोला कि एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो कि आईपीएल को फॉरेन प्लेयर्स के बिना भी कराने के लिए तैयार है, और ये टीम है राजस्थान रॉयल्स की। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है अगर आईपीएल नहीं होता है तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, और उनके जो ओनर्स हैं यहाँ पर वो थोड़े से इस मामले में अभी सेंसिटिव नजर आ रहे हैं, क्योंकि पैसों की बात है और अगर उनको नुकसान होता है तो शायद वो ना अफोर्ड कर पाए राजस्थान रॉयल्स की ओनरशिप को लेना। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो बाकी की 60 टीमें हैं यानी कि राजस्थान रॉयल्स को छोड़ के वो फॉरन प्लेयर्स के बिना भी आईपीएल खेलने को तैयार है, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मिनी आईपीएल कराने में जिसमें फॉरन के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होंगे। गाइज, अगर फॉरन के प्लेयर्स आईपीएल में नहीं होते हैं तो ये बीसीसीआई को एक और ऑप्शन प्रोवाइड करेगा आईपीएल को कराने का, और वो होगा जून जुलाई के आसपास भी बीसीसीआई आईपीएल कराने में सक्षम हो पाएगी या फिर उसके बाद भी बीसीसीआई आईपीएल करा पाएगी अगर सारी फ्रेंचाइज इस बात पर अग्री करती है कि भारतीय प्लेयर्स के बिना वो आईपीएल खेलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम नहीं मानती है और बीसीसीआई सारी फ्रेंचाइज को कन्विंस नहीं कर पाती है फॉरन प्लेयर्स के बिना आईपीएल करवाने को, तब आईपीएल के पास यहां पर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, मई में ही इसे स्टार्ट होना पड़ेगा, और अगर नहीं होता है तो फिर आईपीएल रद्द होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं लाइक, इसके साथ ही कॉमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से क्या आप लोग देखना प्रेफर करोगे आईपीएल फॉरन प्लेयर्स के बिना या फिर नहीं। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।